नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के फिरोजपुर में एक राधा स्वामी डेरे की दीवारों पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे गए हैं। इसका एक वीडियो विदेश में बैठे आतंकी गुरपंत वंत सिंह पन्नू ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही डेरा मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लो को धमकाया है कि केंद्र का साथ ना दें। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने से भी रोका था। गौरतलब है कि आतंकी पन्नू बीते कुछ समय से काफी अधिक एक्टिव हुआ है। सुधीर सूरी हत्या के बाद से लेकर अभी तक उसकी चौथी वीडियो सामने आ चुकी है। इस वीडियो में उसने पंजाब के फिरोजपुर के अंतर्गत आते तलवंडी भाई के डेरे की दीवारों पर लिखे हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारों की वीडियो को वायरल किया है। इसके साथ ही उसने डेरा मुखी गुरिंदर ढिल्लो व डेरे के श्रद्धालुओं को खालिस्तान व पाकिस्तान या हिंदुस्तान से एक को चुनने की धमकी भी दी है। डेरे को लेकर आतंकी पन्नू की यह दूसरी वीडियो है। इससे पहले आतंकी पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्यास स्थित डेरा राधा स्वामी में आने से पहले वीडियो को जारी किया था, जिसमें पन्नू ने डेरा मुखी को प्रधानमंत्री से ना मिलने की नसीहत दी थी। पन्नू ने धमकाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 1000 किसानों के कातिल हैं और उनसे ना मिला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले 5 नवंबर को डेरा ब्यास में मुखी ढिल्लो से मिलने पहुंचे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश में चुनावी दौरे पर जाने वाले थे। तकरीबन 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरा ब्यास देखा और मुखी से बातचीत की थी। इसके बाद वह सीधा ही हिमाचल के लिए रवाना हो गए थे। आतंकी पन्नू ने इस वीडियो में एक बार फिर रेफरेंडम का जिक्र किया है। आतंकी पन्नू ने कहा है कि 2023 में भारत में रेफरेंडम को लेकर वोटें डलने जा रही हैं। इससे पहले ही डेरा प्रेमी अपना फैसला कर ले। इसके साथ ही आतंकी पन्नू बार बार हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान व खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।